पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर बच्चा अपने बर्थडे पर केक काटना चाहता है, लेकिन बेसहारा अनाथ बच्चे हमेशा इससे वंचित रह जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट हर दिल को छू जाती है। परिस्थितियों के बीच कुछ ऐसे बच्चे ना तो मुस्कुरा पाते हैं और ना ही उनके मुस्कुराने की कोई वजह बन पाता है। मुरादाबाद में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने बाल आश्रय गृह पहुंचकर ऐसे मासूम अनाथ बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। सोमवार को यूनियन के मंडल सचिव मयंक व्यास और संरक्षक संतोष गुप्ता के जन्मदिवस पर यूनियन ने बेसहारा अनाथ बच्चों के बीच पहुंचकर उनके साथ जन्मदिन मनाया, केक काटा और खुशियां बांटी। इस दौरान बच्चों को टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स के पैकेट भी वितरित किए गए। इस छोटे से प्रयास से कम हम ऐसे उन बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने में कामयाब हो गए। इस बेहद सुखद क्षण को यूनियन हमेशा याद रखेगा और प्रयास करेगा कि यदि हम ऐसे बेसहारा बच्चों को थोड़ी सी भी मुस्कान देने में कामयाब हो सकें, तो ये यूनियन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं बाल आश्रय गृह की संचालिका शोभना गुप्ता ने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के इस प्रयास को सराहा है और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूनियन ने इन बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया, वो बेहद सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कदम से इन अनाथ बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है, वो बेहद सराहनीय है। इस तरह के प्रयास सभी को करने चाहिए। यहाँ पर आए हमारे बाल आश्रम में, उन्होंने अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, बच्चों को गिफ्ट बांटे, केक किया, अपना पार्टिसिपेट किया उन्होंने और बच्चों के साथ यानी इंजॉय किया, और हमारे बच्चों ने भी बहुत उन लोगों के साथ इंजॉय किया। और यहाँ पर बर्थडे थी आज आप लोगों के यहाँ मेंबर्स की बर्थडे थी, उन्होंने यहाँ पे केक काटा और बच्चों के साथ केक बर्थडे मनाए, खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे। और हम चाहते हैं कि ये सब आगे भी आप लोग आते रहें और बच्चों के साथ अपना टाइम देते रहें, जिससे बच्चे भी खुश होंगे और आप लोग को भी यहाँ अच्छा लगेगा। दरअसल इन बच्चों को प्यार और सरपरस्ती की बड़ी जरूरत है। आप लोगों के आने से इनका भी हौसला बढ़ता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। सोसाइटी के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी के लोग भी इसी तरह अगर हमें मदद करते रहें, इनका हौसला बढ़ाते रहें, हौसला अफजाई करते रहें, तो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। इन बच्चों को प्यार की बहुत जरूरत है। यूनियन के अध्यक्ष फहीम खान ने इस दौरान कहा कि हमने इन अनाथ बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने का प्रयास किया है। हम लोगों को यहाँ पहुँचने और केक काटने से लेकर बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखने को मिली, वो बेहद सुखदायी थी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि कम से कम ऐसे बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें थोड़ी सी खुशी देने का एक प्रयास करें और सुखद पल को महसूस करें। इस दौरान महासचिव रितेश द्विवेदी के द्वारा सभी का आभार जताया गया। कार्यक्रम में मंडल महासचिव उमेश लव, मंडल सचिव रविंद्र कुमार, मयंक व्यास, जिलाध्यक्ष फहीम खान, कोषाध्यक्ष अंकित चौहान, उपाध्यक्ष जाहिद परवेज, विभव पौरव, उवैद वारसी, इंजीनियर राशिद, जरीस मलिक, इरशाद अली, मयंक व्यास, अनिरुद्ध अरोरा, इमरान जहीर, आशु खान, संतोष गुप्ता मौजूद रहे। बाल आश्रय गृह में आए, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके साथ हमारे दो साथी, एक सीनियर साथी हैं संतोष गुप्ता जी और एक हमारे साथी हैं मयंक, उनका आज बर्थडे था, जन्मदिन था, हम वो मनाने के लिए यहाँ आए। हमने ये सोचा कि एक पहल ऐसी की जाए कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ हैं या जो ऐसे हैं कि जो खो गए हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ हम बर्थडे मनाएं, सेलिब्रेट करें, क्योंकि इनका भी उतना ही हक बनता है जैसे कि हमारे बच्चों का बनता है कि वो भी खुशी मनाएं। तो इसलिए हमने ये खुशी का एक ऐसा रास्ता तलाशने की कोशिश की और हमारे सारे मेम्बरान जो हमारे यूनियन के साथ जुड़े हैं, सभी ने ये फैसला किया कि ये बहुत अच्छा रास्ता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हमारी इस पहल को और लोग भी आगे बढ़ाएं और इन बच्चों के साथ
अपनी खुशियां मनाएं ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो और ये आगे जाके समाज के अंदर एक अच्छा कार्य करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।